लॉजिक ये है, अरे पहले मैं लॉजिक में डिस्कस कर दूं। जैसे ए और बी दो नंबर है, A1, A2, A3 आपने ऐसे ऐसे करके इंसर्ट किया है, ठीक। जैसे एन नंबर इंसर्ट किए, तो ये आपके एन नंबर इंसर्ट है, दो नंबर पहले से लिखे हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, N+2 टर्म हो जाते हैं बी, ठीक है ना। तो यहां से डी निकाल के वैल्यू को पुट कर देते हैं। वो जो क्वेश्चन कल वाला था उसमें आपको बताया उसने ए और बी के बीच में कुछ ए की पावर एन समथिंग ऐसे कुछ नंबर लिखा हुआ था, ये कह रहे ना आर्यन, ऐसे कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो ये जो नंबर होगा दैट नंबर, कुछ भी मैं तो कुछ भी वैल्यू डाल दूंगा ना उठा के, हम बेसिक में क्या, मैं तो फंडामेंटल पे डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ ऐसे लिख लो, दिस नंबर इज इक्वल टू A+B/2। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सारे ए एन को इधर कर लोगे, सारे बी एन को इधर कर लोगे, शिफ्टिंग इक्वल का साइन। लास्ट में A/B की पावर होल एन लिख लोगे यहाँ पे, और यहाँ A/B की पावर जो भी नंबर आ जाए 0, 1, 2, 3 वो लिख लोगे, ठीक है। सपोज के लिखा कुछ भी नंबर, अब बेस सेम है तो बोथ साइड की पावर को इक्वेट कर देंगे, तो के की जगह कुछ भी 0, 1, 2 आ रहा होगा, वो आप ऐसे कर लेंगे। मैं किसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट पर्टिकुलर डिस्कसिंग द क्वेश्चन, आई एम सिंपल डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन का तो लिख के मैं आप उसे परसों से पहुंच लिखेंगे तो मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है, नो इशू। तो उसको प्रोसेस यही है। अब एक ऐसे क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी है, सेम करना यही है आपको, कि जो भी नंबर लिखा होगा दैट नंबर इज इक्वल टू A+B/2 गोइंग फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सारे ए एन इधर आ जाएंगे और बी एन सारे इधर आ जाएंगे, फिर शिफ्ट करके A/B की पावर एन लिख लेंगे इधर, और यहाँ जो बचेगा A/B की पावर में लिखेंगे, एंड कंपेयरिंग बोथ साइड एन की वैल्यू आपके पास सिंप्लीफिकेशन मोड में आ जाएगी। ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्लास का, ठीक है। लास्ट क्लास बोले तो कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फर्दर नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को देख के मैं आर्यन आपको फिर सेंड कर दूंगा, नो इश्यू, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कल, 1 मार्कर 4 मार्कर में, किसमें एपी में, उसमें सम था, एन था, एनिट टर्म था, है ना। अब हम इसी एपी की बात कर रहे हैं। एपी में क्या है, कोई किसी भी नंबर को किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दें, सपोज A1, A2, A3, A4, ये सारे नंबर आपके एपी में, एक कोई कांस्टेंट इसमें ऐड कर लें, कांस्टेंट कोई ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें सारे नंबरों के साथ, ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, तो क्या होगा, इस एपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज, द वर्ड इज नो चेंज, एपी विल रिमेन सेम इन एपी, एपी आपकी एपी में रहेगी, सेम नंबर याद रहे, सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उस एपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। इसी तरह अगर हम इस किसी सेम नंबर को जैसे A1, A2, A3, A4 एपी में है, किसी सेम नंबर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, या डिवाइड कर लें, या किसी को डिवाइड कर लें, A1/K, A2/K, A3/K, A4/K, एपी विल रिमेन सेम, एपी सेम रहेगी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज, इस एपी में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक। कोई नंबर अगर एपी में है, अगर एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करें तो देयर विल बी नो चेंज इन एपी, एपी में कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर। अब देखो जैसे मैंने लॉजिक लिखा आपके पास एपी का, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके सारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या क्या कंसेप्ट पढ़ा आपने, सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, देयर विल बी नो चेंज इन एपी, एपी यानी एपी में कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। अब इसको मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता हूँ, आप देखते हैं फिलहाल। सपोज दैट नंबर लिखा है उसने ए, ब्रैकेट में 1/B+1/C फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर लिखा है मैंने
बी वन अपॉन सी वन अपॉन ए, थर्ड नंबर लिखा है मैंने सी वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। अब देखना ध्यान से, उसी प्रॉपर्टी में क्वेश्चन कर रहा हूं, कह रहा है दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी, इफ दीज नंबर्स आर इन एपी देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन एपी। तो कह रहा प्रूव करो कि ए बी सी एपी में होंगे, इफ दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी शो दैट ए बी सी आर इन एपी। तो जो मैंने कहा ना जो प्रॉपर्टी बताऊंगा उस पे मैं बेस क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए अच्छे से। तो आपने कहा ठीक, अगर दीज नंबर आर इन एपी ए से स्टार्ट करते हैं, इफ दीज नंबर्स आर इन एपी, आपने कहा इट्स ओके, ठीक है। तो यहीं से मैंने क्वेश्चन को पकड़ लिया, ये नंबर आपके एपी में। तो अभी आपने कहा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मोड में ले लें, तब मैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सोचता हूँ। तो बी प्लस सी अपॉन बी सी, ए प्लस सी अपॉन ए सी, ए प्लस बी अपॉन ए बी। अभी आपने कहा अगर कोई नंबर एपी में है तो इसमें कोई सेम नंबर सेम क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, सेम चीज। तो मैंने क्या किया, सब में वन ऐड कर लिया, ऑल नंबर वन एडेड, क्योंकि एपी में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अभी आपने बताया था सेम नंबर आपका ऐड होना चाहिए, तो मैंने ऐड कर लिया। अब जरा मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस बी सी। एक काम करता हूँ इस स्टेप से पहले मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, इसे एक को भी कर लेता हूँ, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, अब एलसीएम ले लिया प्लस बी सी अपॉन बी सी, ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और एलसीएम लिया, दो काम एक साथ, बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी। यहाँ भी एक किया, सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी अपॉन ए बी, ठीक। फटाफट मैं ऐसे लिखता हुआ चला गया, मतलब मल्टीप्लाई किया एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया एलसीएम, मल्टीप्लाई और एलसीएम। फिर आपने कहा हम सेम क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं अगर वो एपी में है, तो सेम क्वांटिटी ये थी, कैंसिल आउट कर दिया डिवाइड करते हुए। तो आपका क्या आ गया, वन अपॉन बी सी कॉमा वन अपॉन ए सी कॉमा वन अपॉन ए बी, ये सारे नंबर एपी में, मैं प्रॉपर्टी में ही चल रहा हूँ। फिर बोला गया है सेम नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सब में, तो सेम नंबर ए बी सी से मैंने सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ए बी सी अपॉन बी सी, ए बी सी अपॉन ए सी, ए बी सी अपॉन ए बी, ठीक। अब मैंने देखा सिंप्लीफाई किया, बी और सी कट गया, ए और सी कट गया, ए और बी कट गया, तो क्या क्या बचा, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए बी, ये प्रूफ करना था और आसानी से मैंने इसको प्रूफ कर लिया, दे आर इन ए बी। फिर से ये क्वेश्चन था, तेरा प्रूफ करो ये एपी में है, तो प्रूफ दैट दिस नंबर आर इन एपी, तो मैं जो क्वेश्चन था इसी को लिख लिया। आपने प्रॉपर्टी यूज की कि अगर कोई सेम नंबर अगर ऐड कर ले देयर विल बी नो चेंज, तो मैंने सब में वन वन ऐड कर लिया। फिर यहाँ इससे एलसीएम मल्टीप्लाई किया और एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया और एलसीएम लेके ऐसे चला गया। अब सेम नंबर आ गए, अभी सेम नंबर का मैंने क्या करता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा है प्रॉपर्टी इसकी एपी की कि हम सेम नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो सेम नंबर इससे मैंने डिवाइड कर दिया, सारे कट गए, अभी आया। फिर अपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो सबको मैंने एबीसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैंसिल आउट होकर क्या आया, ए बी सी, सो रिजल्ट विल बी व्हाट, ए बी सी आर इन एपी। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी और उस पे बेस्ड क्वेश्चन किया, यानी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, nth टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, इंसर्ट कैसे करने होते नंबर को एपी में वो इंसर्ट किया, और अब हम करने जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी बताया और मैंने उस पे बेस्ड क्वेश्चन किया, क्लियर। अब मैं देखो इस पे और प्रॉपर्टी या आप कह सकते हैं सम के या nth टर्म के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व करता हूं इन एपी, ठीक। यहां तक ये चीजें आपके माइंड में सेट हो गई एपी के बारे में, कैसे नंबर आते हैं, 1 upon bc और 1 upon ac और 1 upon ab एपी में थे, या सारे नंबर एपी में गिवन है, क्वेश्चन स्टार्टिंग से गिवन है, ठीक। आप देखें जैसे अभी हम लोग एपी का ही डिस्कशन चल रहा है, हमारा लेवल जो है डिस्कशन ऑफ एपी चल रहा है। अब लिया जैसे मैंने क्वेश्चन, इंसर्शन की बात कर ली थी, समेशन की बात कर ली थी, सॉरी
मान लीजिए अगर आपको एपी का कोई एनथ टर्म दे दे या केथ टर्म दे दे तो, और आपसे बोले इसकी एपी डेवलप करो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कह रहा एपी का जैसे केथ टर्म है 5k+1, कह रहा ठीक है आप इसका सम बताइए, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो ठीक है, के की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 5 2 10 और 1 कितना हो गया 11, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 8। फिर मैं के की जगह 2 पुट कर देता हूँ, 5 2 10, अच्छा मैंने 1 के 5 इन द 5+1 6, योर आंसर इज 6। 2 पुट किया, 5 2 10 और 1 11। अगर मैं सेकंड टर्म से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूँ तो आंसर क्या आता है, डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी 11 - 6 5। तो मुझे ए पता चल गया, डी पता चल गया, सम ऑफ एन टर्म पूछा है, लिख सकते हैं n/2 2a+n-1 d। एन टर्म पूछा, एन की जगह एन लिखा है, 2 ए, ए कितना निकाला था 6, n-1, डी कितना है 5, तो n/2 12 5n-5। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले मोड पे, 12 से 5 गया 7, तो 7+5n, दिस इज व्हाट, दिस इज द एन टर्म्स ऑफ एपी। जैसे बोलेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो n की जगह 5 पुट कर देंगे। सम ऑफ 10 टर्म बोलेगा, तो n की जगह हम 10 को पुट कर देंगे। क्लियर? तो ये क्या था, nth k टर्म दिया था और मुझे सम पूछा, सम मैंने कैलकुलेट कर लिया। इसके अपोजिट आपको sn भी दिया जा सकता है, SN दे देगा या SK करके कुछ भी टर्म देगा, फिर आपसे D के बारे में पूछेगा, N के बारे में पूछेगा, तो आप उसको भी आसानी से कैलकुलेट। N गिवन होगा इसमें? Yes, yes, N is given. Last 5 or 10 minutes में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, नो इश्यू। ठीक, अगर अब आपसे हम बात करते हैं कि अगर AP का SN दे दिया उसने, योर SN, तो SN दिया जैसे उसने PN, SN के लिए उसने PN+QN² P×N+Q×N² where P and Q, what P and Q are the sum constant। अब आपसे बोल रहा है find D, तो D क्या होगा? इस क्वेश्चन में उसने बोला D, देखो पहले nth टर्म दिया था तो मैंने सम निकाला, अब वो SN दे रहा है, रिवर्ट कर रहा है और कह रहा है D बता दो, A बता दो, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। आप N की जगह 1 पुट कर दें, N की जगह 1, फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से कैसे आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। एन की जगह 1 पुट किया तो आंसर आया P+Q, 1 पुट किया तो आंसर आया P+Q। S1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, A, योर सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज A, तो वो A की वैल्यू होती, तो A आ गया आपके पास P+Q। अब मैंने क्या किया, एन की जगह 2 पुट कर लिया, तो ये क्या आ गया 2P+4Q। S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म बोले तो फर्स्ट टर्म A, सेकंड है A+D, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म का सम होता है, दैट इज द S2। तो A+A+D की वैल्यू ये दे रखी है, अब A की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा D, तो D की वैल्यू क्या आई 2P+4Q-2 A, और A कितना था P+Q। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2P, 4Q, -2P, -2Q, ये से कैंसिल आउट हो गया, 4Q से 2Q गया, आंसर आया 2Q। तो D कितना बता दिया, D बता दिया आपने 2 times of Q। फिर तो D भी आ गया, A भी आ गया, सम चाहे तो सम भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, यानी nth टर्म दिया है तो सीरीज बना सकते हैं, सम दिया है तो सीरीज बना सकते हैं। क्लियर? तो सम के बारे में, टर्म्स के बारे में डिस्कस है ना। अब हमारा डिस्कशन लेवल आ जाता है, कुछ इसमें ट्रिकीएस्ट डाल सकता है, कह रहा दो सीरीज देगा जैसे, फिर उससे कुछ आपसे टर्म की वैल्यू, यानी हिडन ट्रायल मेथड भी हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, हिडन ट्रायल मेथड से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एपी में। जैसे कह रहा था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी एक को बोल दिया SN, एक को बोल दिया S-N। क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका एनसीईआरटी में ही है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.2 है, हम लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो 5n+4 होल डिवाइडेड बाय, उसे बोला है 9n+6। ठीक, फिर कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स।
टी और टी डैश ये निकालना। जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिए हो, लॉजिक बताया था, आज मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को एज्यूम कर लें। जब एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन की जगह क्या लिखेंगे आप, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जब एस डैस एन लिखेंगे तो एन टर्म बोला, एन का वैल्यू सेम रहेगी, ए बदल जाएगा और डी बदल जाएगा, इक्वल टू जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, फाइव एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई नाइन एन प्लस सिक्स, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी, एन बाई टू इज कैंसल आउट। अब आपको 18 टर्म चाहिए, आपने रफली कैलकुलेशन किया, 18 टर्म का मतलब क्या होता है, ए प्लस 17 डी, इसका मतलब क्या हुआ, ए वन प्लस 17 डी वन चाहिए इस तरह से। अब आपको ये वैल्यू चाहिए, यहाँ ये आ रहा, तो ये टू डिस्टर्ब कर रहा है, तो सबसे पहले आप टू कॉमन ले लो, सबसे पहले टू को कॉमन ले लो, तो ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी, इस तरह से टू कॉमन लो, तो ए वन प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी वन, ये डी वन है, इक्वल टू जो लिखा लिखा रहे थे, फाइव एन प्लस फोर अपॉन नाइन एन प्लस सिक्स, ये टू से टू कैंसिल आउट हो गए। अब आपको चाहिए ये आगे वैल्यू, अब आप इसको सीधे से कंपेयर कर लो, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो कंपेयर करेंगे तो आपने लॉजिक लगाया कि क्या कि n माइनस वन अपॉन टू की वैल्यू तो 17 के इक्वल होनी चाहिए, अगर ये 17 आ जाए तो आपका 18 टर्म बन के तैयार हो जाएगा। तो n माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 17 है, तो n कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व से आ जाएगा, n आ जाएगा 35, n आ जाएगा 35, तो 35 यहाँ पुट कर दीजिए सीधे, तो a प्लस 35 में से 1 गया 4 अपॉन 2, ये आ जाएगा 17 डी, और a1 प्लस 17 डी1, एन की जगह क्या पुट किया, एन की जगह पुट किया आपने 35, तो 5 इंटू 35 प्लस 4 9 इंटू 35 प्लस 6, दिस इज द आंसर। ये क्या हुआ, ये आपका 18 टर्म है, ये आपने लिखा टी डैश 18, इसको सॉल्व कर लेंगे, 35 इंटू 5 175 प्लस 4 179 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 35 प्लस 6 यानी 321, तो ये आपने वैल्यू लिख दी किसकी, एक एपी की, जिसके सम ऑफ द रेशियो का वैल्यू दिया था रेशियो, और उसने आपसे 18 टर्म बोलेगा। अब 18 टर्म बोल सकता है, mth टर्म बोल सकता है, nth टर्म बोल सकता है, लॉजिक पता चल गया आपको कि 2 आएगा, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, हिट एंड ट्रायल से जो भी टर्म कहेगा इसको से कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी, उसको पुट करके यू कैन गेट द आंसर, आप आसानी से अपना आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो सम ऑफ एन टर्म हुआ, एनथ टर्म हुआ, इसके भी आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे जब आपसे एपी के कंसर्न में बात करेंगे, ठीक है। फिर जैसे एक नाइन टर्म में तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे आपने, जैसे कह रहा इफ द पीयर टर्म ऑफ एपी इज वन अपॉन क्यू, जैसे पीयर टर्म एपी का है वन अपॉन क्यू, क्यूर टर्म एपी का है वन अपॉन टी, मैं ए और डी के कंसर्न से बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक। तो पी एट टर्म है वन अपॉन क्यू, क्यू एट टर्म है वन अपॉन पी, तो कह रहा शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म ये निकालना है। चलो मैं क्वेश्चन मार लगा देता हूँ, यू हैव टू कैलकुलेट। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए, वो पी एट टर्म क्यू एट टर्म वगैरह वगैरह बात करें, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करें, सबसे पहले एक मिनट यू सबसे पहले क्या करेंगे, आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को, फर्स्ट टर्म को ए और डी ले लेंगे, पी टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, पी टर्म, और इसके लिए a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू वन अपॉन क्यू है, वन अपॉन पी है, ठीक है, ये आ गया आपकी बात, तो पी एट टर्म ए प्लस पी माइनस वन डी, क्यू एट टर्म ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू, दिस इज योर डी, ठीक। आप क्या करें, सब्ट्रैक्शन मोड में ले जाएं, ये कैंसिल आउट हो गया, d कॉमन लिया, तो p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन
वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी, तो आंसर क्या आया, एलसीएम लिया, पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट, डी पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये कैंसल आउट हो गया, तो डी आ गया वन अपॉन पी क्यू। अब आप क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को, डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन यहां पुट कर देंगे तो ए आ जाएगा, डी को यहां पुट करेंगे ए आ जाएगा, ए पता चल गया, डी पता चल गया, पी क्यू निकालना है तो क्या लगाएंगे, पी क्यू अपॉन टू ब्रैकेट में टू इंटू ए, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, एन की जगह पी क्यू माइनस वन, डी की जगह वन अपॉन पी क्यू, सॉल्व कर लेंगे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ये मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन जो आपसे सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ क्यू टर्म, एनथ टर्म, ठीक है, आरथ टर्म, पीएथ टर्म, इनके जो क्वेश्चन होंगे एपी में उनकी बात कर रहा हूं। तो जब ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे तो ए और डी की वैल्यू ही पुट करेंगे आप आसानी से, ये आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। इसमें कुछ कैलकुलेटिव प्रॉब्लम भी आएगा, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम मतलब जैसे एनथ टर्म आपको दे देगा या सम ऑफ एनथ टर्म दे देगा, एनथ टर्म भी दे देगा, अब कुछ कॉन्स्टेंट की वैल्यूज पूछी जा सकती है आपसे, है ना, मतलब सम ऑफ एनथ टर्म दोनों देगा फिर कुछ कॉन्स्टेंट डाल देगा। ये क्वेश्चन 10th और 11th में नहीं किया आपने स्टार्टिंग में, अब आप उसको करने जा रहे हैं, मतलब क्या करेगा आपसे वो डिस्कशन लेवल पे रखेगा, सम दे देगा, सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स लिखा उसने जैसे 3n स्क्वायर प्लस 5n, और nth टर्म भी दे देगा, उसने कहा चलो मैंने mth टर्म दिया, कॉन्स्टेंट के लिए उसने mth बोला 164, ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू पूछ, तो ठीक है nth टर्म दिया, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, n की जगह 1 पुट कर देता हूं, तो 3 प्लस 5 आंसर आ गया 1, 2 पुट कर देता हूं, देखो शायद कुछ रिजल्ट मिले, तो 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, और 2 5 जा 10, आंसर आया 22, ठीक, S1 यानी फर्स्ट टर्म यानी A आ गया, S2 यानी A plus D, कितना आया 22, 8 plus 8, 16, तो 16 plus D equal to 22, तो D कितना आया 6, A आया 8, D आया 6, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, अब आप सीधे एमएट टर्म पे अटैक करो, एमएट टर्म क्या है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और कितना दिया 164, क्या आया 164, ए ए कितना है 8, एम माइनस वन, डी डी कितना है 6, 164, तो 8 प्लस 6 एम माइनस 6 इक्वल टू 164, 8 में से 6 क्या 2, 2 प्लस 6 एम इक्वल टू 164, यानी 162, तो 6m आ गया 162, तो m आ गया 162 अपॉन 6, डिवाइड कर लेंगे आपकी m की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। यस करण आपका आंसर देख लिया मैंने, यू आर राइट 27, तो कहने का मतलब ये हुआ आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं एपी में, राइट। अब मैं आपसे आज की क्लास का डिस्कशन पावर पूछता हूँ और एक दो बच्चे का जो डाउट है उसको भी देता हूँ। Wait for 1 minute.